क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 5 मैचों की सीरीज के शुरू होने से पहले युवा विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि पंत दमदार प्रदर्शन कर विश्व कप 2019 के लिए भारतीय टीम में अपनी दावेदारी मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ठीक इसके उलट ऋषभ पंत बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। मोहाली में खेले गए चौथे वनडे में बेहद घटिया विकेट कीपिंग के बाद सीरीज के 5वें और आखिरी वनडे में भी पंत का खराब प्रदर्शन जारी है। जी हां, फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेले गए 5वें मुकाबले में भी ऋषभ पंत ने बेहद आसान स्टंपिंग करने का मौका गंवा दिया। यही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी के दौरान एक आसान कैच भी लपकने में नाकाम रहे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अब विश्व कप 2019 के लिए भारतीय टीम में पंत की जगह बनती है या नहीं, जबकि अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक विकल्प के तौर पर मौजूद हैं। हालांकि अब भी आईपीएल 2019 में बेहतरीन प्रदर्शन कर विश्व कप 2019 के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने का मौका पंत के लिए बरकरार है। अब देखना होगा पंत मौके का फायदा उठाने में कामयाब होते हैं या नहीं। ऋषभ पंत के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताएं।